बहुत दिनों से ख्वाहिश थी मेरी, ये किस कौन के अंदर जो अखिलेत खौफ, सब लोग समझते थे खाली यहाँ मंगने वाले हैं, देने वाले में भी खौफ को अल्लाह पैदा करे, बड़े दिल वाले, सिर्फ ये खौफ को नहीं, कर्नाटक के हर कौम का दिल जीते सोले, आज इन्हें सियासत में आना कर कहीं पैसे कमाने के वास्ते मिले, कमाए सो पैसा मुस्तैक लोगों को पहुंचाने के वास्ते, जो मुस्तैक हैं, जो हकदार हैं, अल्लाह ताला माल मसाकिन के बरकत से देता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से, मेरे पास अगर माल की ताकत है, ये भी मसाकिन के बरकत से है, माल की ताकत, इल्म की ताकत, जिस्म की ताकत, हुस्न की ताकत, आवाज़ की ताकत, हर ताकत अल्लाह के मखलूक की भलाई के वास्ते खर्च करना करने का इस्लाम का सबसे बड़ा नज़रिया, वो चीज़ आज बाबू साहब कर ले कर रहे, तो वो चीज़ जो है आज मुझे यहाँ तक खींच ले कही, तो मैं इससे इनको क्या बोला, तुमने एक सही रास्ता जो है तुम्हें अपनाओ, हमारे साथ आओ, ये रियासत कर्नाटक के अंदर 95 में भी एक आवाज़ बनकर एक ताकत बनी थी, अब 2023 में भी एक आवाज़ बनकर एक ताकत बनी है, तुम्हें देने की जगह है, मांगने की जगह नहीं, केजीएफ बाबू का तो बैठे जगह आपको पूछना तुमने क्या बना कर, वो छोड़ दाल को मस्का में हाथ पर रख ले, घी को कहीं ढूंढ लेते क्या प्रपोजल है सर, नहीं हमारा प्रपोजल उनका प्रपोजल है, उनको दरखास्त नहीं हुक्म करो कर बोल रहा मैं, तुम्हें जो है देने की जगह है, पूछने की जगह नहीं है, तुम्हें बोलो मुझे ये चीज मुझे यहाँ होना, तुम्हें सेलेक्ट करना, जब से बाबू साहब लाइमलाइट में हैं तब से जो है चिटपेट कॉन्स्टिट्यूएंसी की उम्मीदवारी मांग रहे हो, क्या जनता दल सेक्युलर की जानिब से उन्हें वो चीज़ मिलेगी? बड़ी अच्छी बात है, पार्टी के अंदर जो है लीडर के पास बात करके फैसला ले सकते, मैं खुद सदर हूँ, देने की जगह होना जी वही नहीं जी सर, तो उसके वास्ते जो मैं क्या बोलता हूँ, मेरे कौम के जितने भी हैं, हिम्मत से रहो, ताकत से रहो, आगे तुम्हारी आवाज़ आती है और तुम्हें वहाँ बैठ कर मुस्तकबिल फैसला करने वाले। सर आरजी के उम्मीदवार हैं पहले से जनता दल के अंदर, क्या वहाँ पर कोई ऐसे आरजी उम्मीदवार नहीं आया? ठीक है, देखिए जनता दल के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं, मिल बाट को खाने वाले, रोटी नहीं मिला चावल है, चावल नहीं मिला गंजी, गंजी में नहीं मिला थिट, ये सुनाकर कौन भी लड़ने वाला नहीं है वहाँ, जनता दल की सबसे बड़ी खुशियत क्या है, तो यहाँ पैसे की जरूरत नहीं, लड़ाई की जरूरत नहीं, अच्छे लोग अगर चाहते हैं जमीन को उसे ताकत है तो खुद ब खुद पार्टी उसे करती है, ये चीज आज याद रख लेते हैं, 70 साल के अंदर ये मुसलमान रियासती पार्टी के अंदर सदर कौन से तो पार्टी बनेगी, सिर्फ जनता दल 2 बार जो है रियासत का सदर बनेगा, इंशाल्लाह हुकूमत आती डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते वक्त आया तो चीफ मिनिस्टर भी बनते फिलहाल कांग्रेस में ही बाबू साहब, फिलहाल कांग्रेस में ही आपको क्या लगता है कि बाबू साहब सही जेडीएस को ज्वाइन करेंगे? उन्होंने जो फैसला लेती जो दावत देना हमारा काम, हिदायत देना उसका काम, फैसला करना इनका काम। सर बार बार जो है आप जब भी आपके बयान होते हैं आप सिर्फ कांग्रेस को लड़ता होते हैं, अगर कोलैबोरेशन गवर्नमेंट बनेगी तो क्या जनता दल सेकुलर भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ जोड़ेगी? सवाल इसने पैदा होता है, ठीक विचार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस वाले हमें बाजार में निकलेंगे, बाजार में निकलेंगे, कांग्रेस वाले जो है हमारे सीटा इंडिपेंडेंट हमला चाहती करने का हमला पूरे अकेले, बीजेपी को राज्यसभा में जीते, हमारे 2 MLA को कांग्रेस वाले खरीद, बीजेपी को वोट दिलाए, तो उपेंद्र रेड्डी को हरे सो
कांग्रेस को बीजेपी में कोलैबोरेशन का मौका हुआ तो किसके साथ जाएंगे? किसका रियासत में अगर मैत्री सरकार बनने की सिचुएशन होगी तो किसके साथ जाएगी कांग्रेस? वो उस वक्त सोचेंगे, लेकिन इतना है बीजेपी के साथ कोई संबंध कोई है नहीं। ऑप्शन तो उस वक्त कांग्रेस ही रहेगा ना तैयार कांग्रेस के साथ जाने के लिए। लेट अस सी उनकी नीयत क्या करे मालूम होता है। कांग्रेस का तो कौन सी कांग्रेस, खड़गे की कांग्रेस, शिवकुमार की कांग्रेस, सिद्धरमैया की कांग्रेस, अब दो तीन कांग्रेस हो गई है। सर सवाल ये उठता है कि ऐसे कांग्रेस के बड़े नेता अगर जेडीएस किसान के साथ खड़े मीडिया में बात करें तो क्या माइनॉरिटीज का कांग्रेस लीडरशिप से विश्वास खत्म होता जा रहा है? नहीं नहीं, उसमें गुलाम नबी आजाद छोड़े सो गए छोड़े विश्वास बढ़ने में छोड़े क्या? अकेला तो नहीं छोड़ा ना, बड़े बड़े लीडर तो कांग्रेस के अंदर कौन भी बचे इसने आज की नहीं बचे की छोड़ रहे। वजह क्या है, कांग्रेस उनको बचा लेने में जो है शशि थरूर जैसा आज कांग्रेस से खत्म एक बहुत बाहर रखा। सर कांग्रेस में हमने देखा है कि जितने 350 करोड़ जैसे पैसे बांटने के लिए जा रहे तो केपीसीसी प्रेसिडेंट कहता है कि वार्निंग दे रहा है कि ये बाबू को मैं सस्पेंशन कर दूंगा, के आर रहमान खान से नोटिस आ जाती है, ये गरीबों की मदद करने के लिए पॉलिटिक्स में फिर क्या करेंगे? शिव कुमार साहब बहुत अकल वाले, मुस्कान के घर को गया था भी मंजे बोले थे नोटिस देते घर का बोले हिम्मत रहे तो दे रहे गया मैसे। अखिलियत मुसलमान कांग्रेस के मोहताज नहीं, कांग्रेस मुसलमान के मोहताज है। जनता दल सेक्युलर कांग्रेस मुसलमान को ताकतवर नहीं बने, मुसलमान कांग्रेस को ताकतवर बनाया। हमारी फीक में जनता दल जो मुसलमान कुमार को कनकपुरा के 45,000 मुसलमान भीख देने में 12,000 से जीतिया। हमारी भीख में आज वाला फकीर तू हमना नोटिस देता आजा बाजार में 23 को तुझे बता दिया। सर जनता दल लास्ट क्वेश्चन, सर जनता दल सेक्युलर से जनता दल पार्टी से जो माइनॉरिटीज को जो 4% रिजर्वेशन दिया गया था उसको वापस लेने की बात की जा रही है, चलते चलते राहुल गांधी हजरत टिप्पू सुल्तान के दरगाह तक नहीं गए, ऐसे इशू हो रहे हैं। बिल्किस बानो का कहना पूरी कांग्रेस के 7 MLA 3 MLC राज्यसभा के मेंबर खामोश है, आखिर मुसलमान भरोसा करे तो किस पे भरोसा करे? जिस दिन PF को SDP को बैन करे उस वक्त खामोश थे, मैं वायद में था PF को बैन करे तो मैं गलत कर बोले कि वो जब RSS है चिचक बैठक रख ले तायक बैठक निकल रही हाँ PF फिरका परस्त तो फिर RSS फिरका परस्त नहीं, इन्हों कांग्रेस वाले वेलकम करे की रे वेलकम करे RSS को निकालो तुम अरेस्ट की नहीं निकाले। चिदम्बरम होम मिनिस्टर नहीं था हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की हुकूमत 10 साल नहीं थी तब RSS फिरका परस्त कर तुमने मालूम हुआ नहीं। तुम्हें जो है BJP की बी टीम तुम्हें आज जो है वो PF वाले लड़ रहे बच्चे कोविड स्टेप को मैयता उठाने नहीं आते, हिंदू रहते मुसलमान रहते उसे तदफीन करने का काम जो है PF के बच्चे करें। अच्छा काम करें RSS करें तो अच्छा करते, खराब करें तो खराब करते। लेकिन आज तुम्हें जो बैन कर रहे ये इसके बारे में कौन भी कांग्रेस वाला बोले नहीं। SDP के वोटा से सिद्धरामैया मैसूर में जीता सो उसे मालूम नहीं क्या वो सब जनता दल सेक्युलर जो है एक मुसलमान को ऐसा बोलने के बावजूद आज आपके घर में सेम इब्राहिम साहब आए हैं JDS। आप क्या लगता है सर, अब आप JDS को जाओगे या अपने खून को अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ोगे? पार्टी के बारे में छोड़ो, हमारे बुजुर्गों हमारे CM इब्राहिम साहब ये कर्नाटक के नहीं पूरे इंडिया के हीरो, क्या उनके दूर को भी हमें नहीं खड़ सकते? उड़ीसा इंसान मेरे घर को आया है उसको बोला तो पार्टी की तरफ से नहीं आता है, खाली एक मुसलमान भाई को बोला ढूंढ ले को मंजे मेरे घर को है मंजे। आज उनसे दूसरे कुछ उनका उनके साथ में बिजनेस था, उस बिजनेस क्या होता है आपको यहाँ आने के बाद में मीडिया वाले सब आगे यहाँ आने के बाद में क्या है ये उल्टे सीधे बातें कर रहे हैं। हमारे उस्ताद हमारे मुसलमानों की शान हमारे मुसलमान कौम की ताकत CM इब्राहिम साहब ही ऐसा इंसान मेरे घर को आया और बोले तो मैं रेड कारपेट में उनको वेलकम करता हूँ। आज अनएक्सपेक्टेड आ गया उनकी मैं इज्जत कर नहीं पाया और उन्होंने हमारे कौम की ताकत थी
और उन्होंने मेरे घर को ही बोला तो मुझे बहुत खुशी। सर आप इस तरफ कह रहे हैं कि यहाँ पर तिजारती बात हुई, साफ बता रहे हैं कि तिजारती नहीं बल्कि सियासी बात हुई, आपको ऑफर किया गया है। पूछे मैं सोच को उनको क्या भी, मैं उनको आतू उनको भी बोलिया नहीं, नहीं आता उनको भी बोलिया नहीं। मेरे हमारे गुरु हैं सर, तुम्हारा हमारे उस्ताद हैं। एक मिनट, मैं तुम्हारे वास्ते में तुम्हें आपको ही कारोबार के मुझे बुलाए आपके साथ खड़ के कह रहे हैं कि हुकुम करो आपको जो इज्जत मांगेगी मिलेगी, आप उस कांग्रेस के पीछे जाके करोड़ों खर्चा कर जो आपको नोटिस बेइज्जत हर दिन कर रही है, क्यों आपको जेडीएस में नहीं जाना चाहिए? वो वक्त आता है हमारे उस्ताद जी।